नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभास सर्विसेज में। मैं जयप्रकाश। दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी पैसे के लेन देन के, बिना किसी माल की खरीद या बिक्री के, स्क्रबर का 100% फ़ायदे वाला बिज़नेस कैसे शुरू किया जाए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको लास्ट तक देखें। मैं इस वीडियो की 10 सीरीज़ बनाऊंगा, मतलब 10 वीडियो की एक सीरीज़ होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये बिज़नेस कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें डेफिनेटली है कि आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा, ये बिज़नेस आपको रोज़ 1 से 2 घंटा करना है, और आपको 1 से 2 घंटा करने पे तुरंत आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ये इस बिज़नेस का सबसे बड़ा लॉस है, मतलब कमी है, कि आपको रोज़ 1 से 2 घंटे मेहनत करने के बाद आप सोचें कि तुरंत प्रॉफिट हो जाए, तो नहीं होगा। इसमें आपको 1 से 2 महीने इंतज़ार करना होगा दोस्तों। मगर हाँ, अगर आप रोज़ 1 से 2 घंटे काम करते हैं और 1 से 2 महीना इंतज़ार करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा, फ़ायदा ज़रूर होगा। फ़ायदा सिर्फ 1 दिन 2 दिन नहीं होगा, लाइफ टाइम के लिए होगा। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि हाँ, वो बिज़नेस कैसे शुरू करना है, मेरे वीडियो की जो सीरीज़ आएगी 10 वीडियो की, ज़रूर देखें। और ऐसा इस वीडियो को देख करके अगर कोई मेहनत करता है इस पर, तो निश्चित है कि उसको फ़ायदा होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, तो कम से कम 100 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस काम को करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है मैं वो बता दूँ। आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, पहला। दूसरा, उसमें अच्छा नेट चलना चाहिए। तीसरा, आपको नेट सर्फिंग का नॉलेज होना चाहिए। और चौथा, आपके पास बोलने की कला होनी चाहिए। मैं तीसरे टॉपिक की बात करता हूँ, नेट सर्फिंग। नेट सर्फिंग का मतलब होता है इंटरनेट पे जाकर के कुछ खोजना। जैसे हम गूगल पे जाकर के कुछ भी खोजते हैं, यूट्यूब में आकर के हम कुछ खोजते हैं, लिखते हैं, तो वो या तो वैसे वीडियो आने लगते हैं या वो मैटर आ जाता है। अच्छा, इस काम को करने के लिए मैं बता दूँ कि थोड़ा बहुत आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। अब मान लीजिए कि आज की जो नई जनरेशन है, नई उम्र के लड़के हैं, जो कुछ एजुकेटेड है, वो तो उनके लिए बहुत आसान है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो करना चाहे, तो उसके पास ऑप्शन है कि उसके घर में उसके बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो उनसे इस काम को करा सकता है। वो खुद करके, खाली इसमें नेट सर्फिंग का मतलब गूगल पे जाकर के कुछ भी खोजना, उसको हम बोलते हैं नेट सर्फिंग। टाइप करना, फिर वो गूगल उसका रिजल्ट देता है, जिसमें जो आप खोजते हैं, लिखते हैं, उसका आंसर आता है, उसको आपको पढ़ना, उत्तर आता है, उसको पढ़ना, उसके बारे में जानना, समझना। ये काम है नेट सर्फिंग का। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो आप इस बिज़नेस को 100% सफल 100% सफलता के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि हाँ, ये बिज़नेस शुरू कैसे करना है। दोस्तों, अगर आप YouTube पे जाते हैं और वहाँ पर सर्च करते हैं स्क्रबर, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों वीडियोज़ आ जाते हैं स्क्रबर के। किसी वीडियो में कोई माल बेच रहा है, तो किसी में कोई शीट बेच रहा है, तो कोई मशीन बेच रहा है, तो कोई कुछ और बता रहा है। ठीक है, तो वीडियो तो सिर्फ आप देखेंगे कि हज़ारों या लाखों होंगे वीडियो, मगर स्क्रबर सर्च करने वाले YouTube पे लाखों नहीं करोड़ों हैं। पूरी दुनिया में लोग स्क्रबर के बारे में सर्च करते हैं, या कभी कोई बिज़नेस सर्च करता है तो स्क्रबर का एक ऑप्शनल बिज़नेस है जो कि ज़्यादा सर्च किया जाता है। और इस समय जो कोरोना काल है, इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे स्क्रबर बिज़नेस चल रहा है। तो दोस्तों, जैसे आप YouTube पे सर्च करते हैं, तो बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, तो आपके बिज़नेस की शुरुआत ही यहीं से होती है। मतलब आपको YouTube पे एक चैनल बनाना है, और उस चैनल पे आपको कुछ दमदार वीडियो अपलोड करने हैं। मतलब आपको रोज़ 1 से 2 वीडियो अपलोड करने हैं, और आपके जो वीडियो होने चाहिए उसमें से शुरुआती जो वीडियो होने चाहिए, इतने दमदार होने चाहिए कि हर कोई जो YouTube पे आकर के, जिसकी जो सर्च करता है स्क्रबर के बारे में, उसकी सोच से मिलता जुलता होना चाहिए। मतलब आपका वीडियो ऐसा होना चाहिए कि वो कोई भी अगर आता है स्क्रबर के बारे में लिखता है, सर्च करता है, तो कम से कम वो उसके सोच से टैली करता हो, मिलता हो आपका वीडियो। मतलब कि वीडियो वो हो जो कि हर चीज़ की दिमाग से निकलने वाली सोच का मतलब कि कोई भी आता है तो YouTube पे क्या खोजता है, या तो मशीन के बारे में खोजता है, या तो शीट कैसे होती है वो खोजता है। इस तरीके से आपका वो वीडियो एक दमदार होना चाहिए। मैं दोस्तों लाइन से बताऊँगा अपने आगे 10 वीडियो में कि हाँ, वो दमदार वीडियो बनाए कैसे, उस वीडियो को दमदार बनाने के लिए उसमें क्या टॉपिक होना चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए, वो सारा ज्ञान मैं दूंगा।
तो दोस्तों पहले आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, उसमें वीडियो अपलोड करना। अब बात आती है कि पैसे कैसे होंगे। तो इसमें अगर आपका वीडियो जो आपका जो चैनल है उस पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और आपके उस चैनल पे जो वॉच टाइम आता है, मतलब जो वीडियो डाले गए हैं सारे उन सबका मिला के 4000 घंटे अगर आपके वॉच टाइम लोग देख लेते हैं, 4000 घंटे पूरे हो जाते हैं, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। मोनेटाइज होने का मतलब आपके चैनल के ऊपर ऐड आने लगेगा और आपकी कमाई वहीं से शुरू हो जाती है। दोस्तों अगर आपके वीडियो में दम है तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी कमाई स्टार्ट हो जाएगी। और ये आपको कुछ नहीं करना है, ना किसी से कोई माल खरीदना बेचना, आपको सिर्फ लोगों को स्क्रबर की जानकारी देनी है, ठीक है। अगर आप स्क्रबर से रिलेटेड जानकारी देते हैं अपनी वीडियो में, अच्छे से अच्छी जानकारी देते हैं, जिनाइन जानकारी देते हैं, सही चीज़ बताते हैं, तो डेफिनेटली हर कोई आपके चैनल को देखेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे आपके चैनल की वैल्यू बढ़ेगी और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आपकी इनकम होने लगेगी। तो दोस्तों अब यहाँ पे आता है कि ठीक है, चलो चैनल मोनेटाइज करना है हमको, मैंने काम चालू कर दिया रोज़, तो वीडियो डालूँ तो कौन सा डालूँ, क्योंकि मुझे तो स्क्रबर के बारे में कोई नॉलेज है नहीं, सामने वाला सोचता है। जैसे कि मान लीजिए आप सोचते हैं कि आपको स्क्रबर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसा वीडियो कहाँ से डालें। तो मैं बताऊँ दोस्तों, मैं 10 वीडियो की सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं हर एक वो चीज़ डालूँगा जिसमें कि आपको रोज़ एक घंटा जो मेहनत करनी है वो क्या करनी है और नॉलेज क्या क्या लेना है, और उसके बाद वो वीडियो बना करके डालना है, ठीक है। मैं 10 वीडियो की सीरीज़ डालूँगा जिसमें परफेक्ट नॉलेज होगा और यूट्यूब के ऊपर हर कोई आकर वही सर्च करता है, जिससे आपका चैनल सक्सेस होगा। अगर ऐसा वीडियो बना करके अगर लगभग 100 लोग भी अपने चैनल को सक्सेसफुल रन कर लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको एक अच्छा रोज़गार मिल जाएगा। ये रोज़गार ऐसा है कि जो लाइफ टाइम है, सिर्फ एक दिन दो दिन का नहीं है। तो दोस्तों मेरे दूसरे वीडियो के लिए इंतज़ार करें, बहुत ही जल्द मैं दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 10 वीडियो लगातार इस बिज़नेस के लिए मैं डालूँगा। नमस्कार।